Assalamualaikum, Sat Bismillah, Tiji Ayakum. Program Visa Expert is Khushamdeed, Meha, Tari Mezban, Naya Baloch. Najin Jimikitus and Jardaway, Asapri program, the which Mukhtalif Kisam de Visa Bare discuss Karene, Mukhtalif Kisam de issues could discuss Karene, or her Dafasa program, the which Hik country could focus Karene, or specifically Hik Visa. As a Mukhtalif Kisam de Visa discuss Karene, generally students we have and then professional visa we own there, immigrations we own in, or visit Visa could discuss Karene. I this are a program the Khususi topic here or Ohe. UK waste immigration apply karna da inde bahut sare tareeke kar thi sakde hain bahut sare log ithu kol banna chahnde hain england waste ta asa unna ko help kare su tade agar koi bhi queries hain tade koi bhi sawal hain to sa sare kol puch sakde ve e program de vich participate kar sakde ve aur meri ye khwahish bhi hai ki tusa zyada kol zyada e program de vich participate karo kyunki program karan da maza hi ta aunda hai ki jere thadi participation hove thare questions hoven unna ko sa discuss karu aur apne expert kol unna de answers kinu sare kol itha program de vich एक्सपर्ट मौजूद हैं उना को तुसा वाकिफ हुए पिछले प्रोग्राम दे विच तुसा उना को मिल चुके हुए आओ उना नाल गलबात करे ने अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब वालेकुम सलाम कैसे आप ठीक-ठाक हैं बिल्कुल कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम दोबारा ज्वाइन करके बहुत अच्छा ठीक लग रहा है बहुत अच्छा फीडबैक है बहुत सारे लोगों का जो पहले जो प्रोग्राम्स रहे वो भी अच्छे रहे जी जी अच्छा आपको क्या किस तरह का फीडबैक आ रहा है क्या मतलब मुझे जो फीडबैक आ रहा है बेसिकली वो तो आपके सोर्स से आ रहा है आपके चैनल को जो जो लोगों की मेल्स आ रही हैं इंक्वायरीज आ रही हैं उसको हम एड्रेस कर रहे हैं अच्छा तो इट्स गुड लोगों का इंटरेस्ट है और बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं वीजे के लिए और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी बहुत ऐसा है भी ये एक बर्निंग इशू है इस वक्त इस मुल्क में लोगों को बहुत सारे लोगों को इसमें कोचिंग और गाइडेंस चाहिए होती है नाजरीन तुसा प्रोग्राम दे विच पार्टिसिपेट कर सकदे वे आपे क्वेश्चंस कोई इंफॉर्मेशन चाहिदी है या कै भी किस्म दा अगर थाको कोई मसला दरपेश है ता तुसा साडे नाल जरूर राबता करो थाको एस पर रूटीन पता ही है पिछले प्रोग्राम से विच भी मैं दसेंदी रानी हां सो साको ईमेल कर सकदे वे visaexpert@roitv.tv ते ਉਨੇ ਇਲਾਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੋਈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਕੋ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋ ਸਾਕੋ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4474480 ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰابطਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਕੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਭੇਜੋ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲਸ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੂੰ जी आसिफ साहब हम आज यूके की जो कि इमिग्रेशन पे बात कर रहे हैं जी जी। तो इसमें इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए यूके के लिए जो ज्यादातर लोग जाते हैं क्या आप क्या समझते हैं क्या हाईली स्किल्ड वर्कर्स जाते हैं प्रोफेशनल्स जाते हैं या कोई भी जा सकता है कोई आम लोग भी देखिए इमिग्रेशन यूके की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो इमिग्रेशन के कई रूट्स हैं बहुत सारे लीगल वेज ऐसे हैं जिसके जरिए आप इमिग्रेशन ले सकते हैं जिसमें सेटलमेंट आ जाता है फैमिली क्लास आ जाती है उसमें उसमें फाइन से वीज़ाज आ जाते हैं स्पाउस वीज़ाज आ जाते हैं और डिपेंडेंट पेरेंट्स भी इन सर्टन केसेस आ जाते हैं जिसको जो कि अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल्स जिनके ऑलरेडी वहाँ रिलेटिव्स नहीं हैं या स्पाउसेस नहीं हैं लेकिन वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ब्रिटिश इमिग्रेशन लेना चाहते हैं यूके की इमिग्रेशन लेना उसमें फिर एक ट्रैक था हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम जिसका के नया नाम मैंने माजी में एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया टीयर वन जनरल कहते थे उसको सही। वो प्रोग्राम तो लास्ट ईयर 2010 में उन्होंने बंद कर दिया अच्छा, अब प्रोफेशनल टीयर वन जनरल बंद कर दिया जो कि बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए ही था लेकिन टीयर वन जनरल की बजाय टीयर वन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर्स जो कि बिजनेस क्लास के लोगों के लिए है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है अभी जनरल में कौन सी कैटेगरी आती थी टीयर वन जनरल में प्रोफेशनल्स आते थे जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स या कोई भी प्रोफेशनल्स जो कि हाईली स्किल्ड लोग थे वो आते थे और उसके बाद जो टीयर वन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर्स हैं ये बिजनेसमैन हैं बेसिकली डिफरेंट लेवल्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए होती हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए कम अमाउंट चाहिए होती हैं इसके अलावा टीयर वन जनरल गो के स्किल्ड लोगों का इन्होंने क्लोज कर दिया लेकिन उसमें एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है जिसको वो कहते हैं टीयर वन एक्सेप्शनल टैलेंट अच्छा ये एक्सेप्शनल टैलेंटेड लोग वो होते हैं कि जिनकी अपने फील्ड्स में अपने एरियाज में जो उनका काम है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है अच्छा। यानी वो अपने फील्ड में मुनफरिद और नुमाया मुकाम रखते हैं उर्दू में आसान उर्दू में करें अब होता क्या है कि उसके लिए जितने ऑक्यूपेशंस हैं जितने प्रोफेशंस हैं उसकी अलहदा अलहदा एवेल्यूएटिंग बॉडीज हैं यूके में फॉर एग्जांपल साइंस सब्जेक्ट्स के लिए या जो साइंटिफिक लोग जो साइंस से ताल्लुक जिनका होता है उसके लिए एक अलहदा एवेल्यूएटिंग बॉडी है आर्ट्स और ये जो आर्ट्स एंड डिज़ाइन या इस तरह के जो हैं उसके लिए अलहदा असेसिंग एक अथॉरिटी उनकी है वो ये एवेल्यूएट आप उनको भेजते हैं अपनी डिटेल्स वो एवेल्यूएट करते हैं कि क्या वाकई आपका काम इस नौयत का है कि वो आपको एक्सेप्शनली टैलेंटेड माने
अच्छा, अगर वो मान लें तो वो आपको इन ग्राउंड्स पर इमिग्रेशन दे देते। अच्छा, ऐसे कुछ जो इवेल्युएटिंग बॉडीज हैं वो पाकिस्तान में भी हैं? नो, इट्स नॉट, बिकॉज ये मानना तो उन्होंने है, एक्सेप्ट तो उन्होंने करना है, यूके के लोगों ने। तो आप अपना केस फॉरवर्ड करते हैं वहाँ? जी एक्जेक्टली, हम अप्लाई करते हैं उनको और भेजते हैं कि ये हमारी अचीवमेंट्स हैं, इस तरह से हमारा काम रिकॉग्नाइज्ड है, वी आर अप्लाइंग फॉर दिस, यू टेल अस व्हेदर वी क्वालिफाई अंडर दिस कैटेगरी और नॉट। वो रेफर करते हैं अपने कंसर्न इदारे को, वो उसको एवेल्युएट करके बताता है कि वेदर आप उसमें फॉल कर सकते हैं, उस लेवल की आपकी अचीवमेंट्स हैं, आप इतने रिकॉग्नाइज्ड हैं दुनिया में इंटरनेशनली कि आपको एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल जी आसिफ साहब, यकीनन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है और हम इस पे दोबारा भी बात करते रहेंगे अपने इसमें। यहाँ हमारे पास एक पिक्टोरियल पैकेज है, हम नाजरीन को सैर कराते हैं। जी नाजरीन, इतना थारे वास्ते ही कसा खसूसी पैकेज गिन के आए, वीडियो पैकेज है।